वो सहायक आएगा, वो आत्मा जो सत्य प्रकट करता है और पिता की ओर से निकलता है। मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा और वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे। वो भी समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। लोग ऐसा इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि जब समय आएगा और वे ऐसा करेंगे तो तुम याद करोगे जो मैंने कहा है। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। जो अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे मन शोक से भर गए। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वे पाप में इसलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।